जमीन विवाद को लेकर महिला सहित दो पर हमला, कुपंगड़ में हुई घटना, गंभीर रूप से जख्मी तीनों को जेलन में कराया भर्ती। जमीन विवाद को लेकर एक गुट के लोगों ने एक महिला सहित दो अन्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में लाठी और सरियों का इस्तेमाल किया गया। किशनगढ़ के रूपनगढ़ में हुई इस घटना में एक महिला सहित दो लोगों को गंभीर चोट आई है। तीनों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूपनगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राम बजून तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर। हमारे साथ मार्केट का झगड़ा हुआ, जिसमें वो जमीन और विवाद में उसका उसके बीच में हो रखा था, जो विपक्ष पार्टी ने हमारी मम्मी के ऊपर सरियों से और ईंटों से फेंक कर मारने की कोशिश की और उनको यहाँ पर जेलन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है। कितने लोग इसके अंदर घायल हैं? और इसमें कम से कम तीन लोग घायल हैं, एक राजीव नारायणिया, एक मोहनलाल नारायणिया और एक नर्मदा देवी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये जमीन के मसले में विवाद हुआ था, जिसमें विपक्ष में थे तुलसीराम जांगीर और रामूराम जांगीर। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, थाने में रूपनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अभी उनकी हालत कैसी है? अभी हालत उनकी नाजुक है, नर्मदा देवी की। अजमेर कैसे लेके आए इनको? अजमेर रूपनगढ़ भर्ती कराया था, वहाँ से अजमेर रेफर कर दिया गया इनको। नाम बताओ आपका? नाम गोपाल नारायणिया।